और हरिद्वार की बात करेंगे, जहां के रोशनाबाद कलेक्टर भवन में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान बाढ़ के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, बाढ़ से किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, ऐसे में हरिद्वार जिले को आपातकाल घोषित किया जाए, इसके साथ ही किसानों का कर्ज पूरी तरीके से माफ किया जाए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को बिजली मुफ्त मुहैया कराई जाए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जो आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है? देखिए, हरिद्वार में जिस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों का जो उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, आज बिल्कुल पानी जो है नाक से ऊपर जा चुका है। आप देख रहे कि एक महीने से लगातार किसान प्रेस के द्वारा भी, वैसे LIU के द्वारा भी, सूचना भी द्वारा, उसके बाद भी आज हजारों की संख्या में किसान इनके दरवाजे पर आया और ये यहाँ से गायब है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य किसानों का। ये एक तरफ दावा कर रहे के जनता दरबार लगा रहे हैं, भाई जनता दरबार जब तुम्हारे दरबार पर कोई आ रहा हजारों की संख्या में, वहाँ तो तुम दिखाई नहीं दे रहे। हमारे जो किसान है वो अपने उनके किसान नेता और वो लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे। थोड़ा सा इशू हुआ कि उनके मांग थे कि DM साहब को ज्ञापन देना, लेकिन DM साहब चूंकि केंद्रीय टीम यहाँ पे आ रही है और DM साहब उनके साथ में लेक्चर विजिट करने के, जो नुकसान हुआ आपका में उसका विजिट करने के लिए लेक्चर गया, तो DM साहब को प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ और उन्होंने ज्ञापन दिया। किसान लोगों की जो मांगे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर हम शासन को भेजेंगे और अनुरोध करने की इसमें यथाशीघ्र इसमें कार्रवाई करें।